नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ एक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बिजली बिल का लोड है और आप भी बिजली बिल जमा करना चाहते हैं और आप छूट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपको कितना छूट मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। इस वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेगा तो यहाँ आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा UPPCL। आपको इतना टाइप करके इसको सर्च कर देना है। तो जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, www.uppcl.org। तो आपको क्या करना है, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले पोर्टल पे लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ आपको पॉपअप शो कर रहता है, अगर कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है नया तो अपडेट होता है, तो यहीं से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको कैसे पता करना है कि आपको पेमेंट में कितना माफ़ी है और कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है। नीचे आपको देखने को मिलता है बिल जनरेट एंड पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आप किसी ग्रामीण से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप रूरल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पॉपअप शो करेगा तो यहाँ क्लोज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करेगा तो आपको नीचे आना, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नया कनेक्शन भी ले सकते हैं, तो यहीं से आप नया कनेक्शन के लिए अगर आवेदन भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप नया आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे OTS बिल भुगतान, तो यहाँ पे बिल भुगतान या बिल देखे वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ आपको अकाउंट नंबर टाइप करना होगा। अकाउंट नंबर कैसे मिलेगा वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना टाइप करना है। अकाउंट नंबर मतलब जो बिजली बिल का अकाउंट नंबर रहता है, जैसे जो बिजली बिल चेक करने आते हैं उसमें आप चीज़ जो देते हैं रसीद आपको बिल नंबर लिखा रहता है। तो वहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करना है और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हम पूरा डिटेल फिल कर लिए, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना देखने को मिल जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उनका अमाउंट कितना ये भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। 9/5/2023 और 12,175 रुपये बिजली बिल है, जो इतना नेट अमाउंट पेबल इतना है। तो यहाँ पर आपको अगर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे मीटर रीडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, व्यू प्रिंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका अभी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, व्यू प्रिंट एंड बिल, यहाँ पे देख सकते हैं व्यू या प्रिंट बिल, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP को सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको OTP को टाइप कर देना, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चलिए OTP आ चुका है तो OTP हम टाइप कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद बस गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ का पूरा डिटेल आपको शो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डे, देखिए यहाँ पे दे तिथि ड्यू डेट, तो 9/5/2023 यहाँ पे दे तिथि तक छूट, कितना छूट मिलने वाला है इनको देख सकते हैं। यहाँ पे 0 रुपये छूट मिलने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेबल ड्यू डेट, तो ये 12,175 रुपये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे विच्छेदन तिथि तो 16/5/2023 आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलने वाला रहेगा कि नहीं मिलने वाला रहेगा। तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जारी किया गया है, तो अभी छूट उन भाइयों को मिल रहा है जो जिनका जैसे कि ट्यूबवेल पे हो गया, जिनका बड़ा जो घर का इलेक्ट्रॉनिक बिजली बिल है उन पर अभी छूट नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप वहाँ पर जाके आपको पता करना पड़ेगा, आप जब जमा करने जाइएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका छूट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जा रहा है 331 रुपये कुल राशि होती है, जिसमें से इनको सब्सिडी राशि 178 रुपये होती है और देय राशि इनको 153 रुपये दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो